हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो की टाइटल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आज का वीडियो किस पे है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक एलोवेरा जेल का रिव्यू। एंड दिस इज ए हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो जस्ट बिकॉज अभी समर्स चल रही है, मॉनसून आने वाला है, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कोई एलोवेरा जेल बताइए जिसको जो प्रॉब्लम्स होती है, लाइक समर्स में सनबर्न हो जाता है, रैशेज हो जाते हैं, और मॉनसून में जो लाइक हम क्रीम वगैरह नहीं अप्लाई कर सकते हैं जस्ट बिकॉज वेदर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो जैसे ही हम कोई क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली सा, बहुत अजीब सा लगता है हमारा फेस। तो कोई ऐसा जेल बताओ जिसको हम डेली में यूज़ कर सकें, तो एलोवेरा जेल से अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती उस चीज़ के लिए। समर्स के लिए और मॉनसून के लिए एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट होता है, एवरी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। एंड गाइस, बात अभी यह आती है कि कौन सा यूज करना चाहिए, जस्ट बिकॉज मार्केट में इतने सारे एलोवेरा जेल है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लें और कौन सा ना लें। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे से टिप्स दूंगी आज की वीडियो में कि कौन सा एलोवेरा जेल आपको लेना चाहिए, जब भी आप कोई एलोवेरा जेल परचेज करते हो तो किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, दिस इज ग्ली अमीनो एलोवेरा जेल एंड इट इज 99% प्योर एलोवेरा जेल। हम कभी भी एलोवेरा जेल को परचेज करने जाते हैं कभी मेंशन ही नहीं होता है कि उसमें कितना परसेंट एलोवेरा है। आपको कोई एलोवेरा जेल लेना है तो मेक श्योर कि उसमें 99% एलोवेरा हो, 100% कोई चीज नहीं हो सकती। जस्ट बिकॉज ये एक प्रोडक्ट है, इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव एड करने पड़ते हैं, सो दिस इज 99%। एंड वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो प्लांट वाला एलोवेरा होता है, फ्रेश एलोवेरा, वो ही यूज करो, बट उसको हम ज्यादा टाइम तक नहीं यूज कर सकते हैं, 7-8 days तक ही यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्योर एलोवेरा जेल चाहिए तो मेक श्योर कि उसमें 99% एलोवेरा हो। नेक्स्ट थिंग जो है कि उसमें कोई पैराबिन नहीं होना चाहिए, कोई भी सिलिकॉन नहीं होना चाहिए, कलर नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो वो जो ये प्रोडक्ट है वो क्लेम करता है, इसमें कोई भी एसच कलर नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई भी पैराबिन नहीं है, और ऑयल स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। तो वी ऑल नो कि एलोवेरा सारे लोग यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, मोर ओवर आप अपने हेयर्स में भी यूज कर सकते हो। एंड जो समर्स में है, एलोवेरा एक वरदान माना जाता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, सनबर्न हो गई है, धूप में से आए हो, स्किन जल रही है, रैशेज हो गए हैं, तो कुछ भी ना लगाओ, फटाफट से आप एलोवेरा लगा लो, बहुत जल्दी से आपको एकदम सूथनेस मिल जाती है, एकदम काम हो जाती है आपकी स्किन। अगर आपको डेंडर की प्रॉब्लम है, स्प्लिट एंड्स हो रहा है, अगर कोई जेल आप लगाना चाहते हो, इंस्टेंट शाइन चाहते हो अपने हेयर्स में, तो भी आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो 99% हो, जस्ट एज दिस प्रोडक्ट। गाइस, ये कुछ इस तरह की आपको पैकेजिंग में मिलता है, ग्रीन कलर की एक बॉटल कम ट्यूब पैकेजिंग है ये। एंड इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊं तो जस्ट लाइक एस एलोवेरा जेल, कुछ भी कलर मिक्स नहीं है। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है नॉर्मल जो हम एलोवेरा प्लांट में से निकालते हैं उसका जूस, सेम ऐसा ही है, यू कैन सी दिस। और जैसे हम अप्लाई करते हैं फील भी एकदम वैसी ही आती है, वो ही उतना चिपचिपापन, उतना ही उसका जेल टेक्स्चर, एंड एज सच कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, नथिंग, मतलब कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं बोलूंगी मैं इसके अंदर। और कलर तो आप देख सकते हो, कोई भी कलर नहीं मिलाया हुआ है, तो वी कैन से कि इट्स 99% प्योर एलोवेरा जेल। बहुत जल्दी से आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्व हो जाता है। एंड मैंने अभी इसको अप्लाई किया है, मैं फील कर पा रही हूँ जो कूलिंग इफेक्ट होता है ना एलोवेरा जेल को यूज करने का, सेम मुझे फील हो रहा है अपने हैंड्स पे। प्राइस की बात करें तो गाइस, यहाँ MRP लिखी हुई है 299 रुपीज, लेकिन मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया था, मुझे 210 रुपीज में मिला था। इवन आपको फ्लिपकार्ट पे भी 210 रुपये में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। क्वांटिटी इज 120 ग्राम्स, तो आपको 210 रुपीज में 120 ग्राम्स मिलता है, तो बहुत सही डील है ये। एंड ये आपको 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ मिलती है, तो 2 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये इसकी ओवरऑल पैकेजिंग है। इसको आप एज ए मेकअप प्राइमर भी यूज कर सकते हो, मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी अदर प्रोडक्ट नहीं सूट करता है तो ये तो एलोवेरा जेल तो आप आंखें बंद करके यूज कर सकते हो, कोई भी डाउट नहीं है इसके अंदर। इस प्रोडक्ट को मैं लास्ट 10-15 days से यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो मेरा कितना फिनिश हो चुका है, ये इतना फिनिश हो चुका है, पूरा यहाँ तक फील होके आया था, इतना मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, मुझे बहुत सही लगा। कोई भी मेरे को ऐसा एलर्जी रिएक्शन या पिंपल्स या लगता है ना बहुत कुछ केमिकल मिलावा हो, ऐसा फील हो जाता है मेरी स्किन को,
एज सच मुझे इसको यूज़ करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई एलोवेरा जेल आप ढूंढ रहे हो जो पॉकेट फ्रेंडली हो, 100% प्योर हो, कोई भी कलर नहीं हो, कोई भी फ्रेगनेंस नहीं हो, कोई भी मतलब पैराबेन या सल्फेट कोई केमिकल नहीं हो, तो यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। आई लव दिस। एंड भी बहुत न्यू प्रोडक्ट था, मैंने इससे पहले इसके कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ किए थे। तो गाइज सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रांड है दिस इज़ आयुर्वेदिक ब्रांड, तो इसके जो प्रोडक्ट है 100% नेचुरल है, कोई भी केमिकल वगैरह नहीं मिला हुआ है। तो इसके जो अदर प्रोडक्ट्स आते हैं उनको भी मैं यूज़ करूँगी और उसके बाद में आपको अपना रिव्यू शेयर करूँगी फॉर श्योर, जस्ट बिकॉज आई रियली इम्प्रेस्ड विद दिस ब्रांड। सो ये था गाइज आज का रिव्यू, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल